स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं सीएम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भैया आपने अगर सोशियोलॉजी ले लिया है ना बीए फर्स्ट ईयर में, तो आप आसानी से शुक्ला एचडी पॉइंट से जुड़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। और नवीनता की दृष्टि से आप शुक्ला एचडी पॉइंट के आप अगर प्रीवियस ईयर के जो है एक प्रकार से पाठ्यक्रम को और उसके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पढ़ाए गए, आप अगर जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाए गए, अगर आप जो है लेसन्स को देखेंगे, अध्याय को देखेंगे और इकाइयों को देखेंगे, तो लगभग वहीं से सारे के सारे प्रश्न पेपर में पूछे जो है एक प्रकार से जा रहे थे। लेकिन एक्चुअली में हुआ नहीं पेपर जो है 2021 का, तो अब 2022 और 23 में आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस को लाने का प्रयास करता हूं। आखिरकार कहां कहां से किस किस टॉपिक से आपके एग्जाम से प्रश्न पूछे जाएंगे और इस टॉपिक्स जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं ये कहां पर आपको विस्तार से पढ़ने को मिलेगा, तो यह भी आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आप यानी जिस चैनल पर आ चुके हैं यानी शुक्ला एचडी पॉइंट पर, आप आसानी से यहाँ पर हर विषय वस्तु की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, या इसी प्रकार से मेरे पास दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर हो, या इसी प्रकार संस्कृत साहित्य आपका जो है, और उसके बाद में आप बोलते होंगे जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, जैसे कि हिंदी साहित्य हो गया, जैसे कि आप जो है सैन्य विज्ञान हो गया, या आप जैसे कि होम साइंस ले रखा है, गृह विज्ञान जिसको कहते हैं, तो कोई भी विषय वस्तु अगर बीए से संबंधित है, साइकोलॉजी हो गई, दर्शन शास्त्र हो गया, कुछ भी है, तो आपको शुक्ला एचडी पॉइंट के चैनल पर आसानी से आपको मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे आसानी से हम पहले आपको सिलेबस को समझाने का प्रयास करेंगे, सिलेबस आपको समझाएंगे, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें वर्णित हैं, कौन कौन से पाठ आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं और किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। एक बार ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस पाठ्यक्रम को, मेरे भाई आप लोग अपने पाठ्यक्रम से यानी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम से अवश्य मिला लीजिएगा, ध्यान रखेंगे। वैसे बता दूँ मेरे भाई, अधिकतर विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम यही रहता है। अगर आपके पेपर का नाम क्या है, समाजशास्त्र का परिचय, अगर आपके पेपर का नाम समाजशास्त्र का परिचय, अंग्रेजी वालों सुनो, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, अगर आपके पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, तो आपका पेपर मतलब आपके पेपर के अंदर इन्हीं टॉपिक से एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं और यही टॉपिक्स आपके सिलेबस में समाहित होते हैं, अर्थात पाठ्यक्रम में संकलित किए जाते हैं। तो आसानी से हम समझेंगे, कोई मुद्दा आपसे छूट करके नहीं जाएगा, एक एक चैप्टर को मेरे प्यारे दोस्तों धुआं धुआं करना है हम लोगों को, आसानी समझेंगे, आपको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, कोई आपका डाउट छूटेगा नहीं, आप बात ध्यान रखेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग मेरे भाई। चलिए इसी प्रकार से डेली आपकी क्लासेस अभी जो है हो जाएं, उसके बाद में मैं शेड्यूल फिक्स कर दूंगा और आपकी क्लासेस जो है जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होने का प्रयास रहेगी, आपकी क्लासेस जल्दी आपके सामने आने की जो है एक प्रकार से संभावना रहेगी। आप बीए सेकंड ईयर में हैं, बीए थर्ड ईयर में हैं तो आपके लिए भी, और एक प्रकार से बीए फर्स्ट ईयर के हैं तो आपके भी। वैसे बीए फर्स्ट ईयर का अगर आपको देखना ही है कि अगर इन जो टॉपिक्स को, तो इससे लगभग अधिकतर टॉपिक्स आपके यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट के चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर उत्पत्ति, परिभाषा, विषय क्षेत्र, प्रकृति, इन सभी को लेकर के, संस्था, समिति, समुदाय, सामाजिक समूह और मनुष्य और पशु के बीच में संबंध, इनको लेकर के आप तमाम सारे जो है लेक्चर्स हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज अपलोडेड हैं, जो कि पीपीटी के फॉर्म में हमने पढ़ाया था, वह आपको मिल जाएगा। लेकिन बोर्ड पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा और एक मुद्दे को आपके सामने उकेरने का प्रयास करूँगा, तो यहाँ पर आपको वह चीज़ें मिलेंगी, ठीक। अब हम एक नई सीरीज से 2022 और 23 के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। सबसे पहले जाने आप समाजशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं, आप उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो सिलेबस डिस्कशन होगा मेरे भाई, क्या होगा सिलेबस डिस्कशन करना है हमको, और किसका, तो बीए प्रथम वर्ष का यानी कि सोशियोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करना है बीए फर्स्ट ईयर का, और कौन से पेपर का, प्रथम प्रश्न पत्र का यानी फर्स्ट पेपर का। ध्यान रखेंगे जब बीए में आप प्रवेश लेते हैं तो आपको मेरे भाई दो पेपर करने होते हैं, और दो पेपर जो होता है आपका किसी भी सब्जेक्ट का, तो एक सब्जेक्ट के मेरे भाई, एक सब्जेक्ट के आपके कितने पेपर होते हैं, तो दो पेपर होते हैं, एक होता है फर्स्ट पेपर, दूसरा क्या होता है आपका सेकेंड पेपर। तो फर्स्ट और सेकेंड पेपर होते हैं और दोनों के अलग अलग पेपर होते हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो किसी किसी विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और किसी किसी विश्वविद्यालय में लिखित टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और किसी किसी विश्वविद्यालय में फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव होता है और सेकंड पेपर लिखित होता है, किसी में मेरे भाई सेकंड पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होता है और फर्स्ट पेपर लिखित होता है, किसी में क्या होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाएंगे और आपके दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे, किसी में केवल अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला होती है। तो इस प्रकार से आपकी यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, किसी
भी प्रकार का पैटर्न हो, आप जब चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ेंगे हमारे चैनल से जुड़ करके ना, और बिल्कुल फ्री में आपको जो है सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके सामने जो लेक्चर्स होंगे वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो एक प्रकार से यह एक प्रकार जनरली क्लास थी, जो कि एक प्रकार सामान्य क्लास मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ, इसीलिए इसमें थोड़ा सा समय 4-5 मिनट जो है हमने आपको बता दिया। अब हम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, एक एक मुद्दे को समझाने का आपको प्रयास करेंगे, आखिरकार क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। आप नए हैं समाजशास्त्र विषय वस्तु से, आप जो है साइंस साइड पढ़ के आए हैं, इंटर में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने ले लिया था, और कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको ऐसा नहीं कि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ने आए हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप किसी भी क्षेत्र से, आप कॉमर्स कुछ भी आप लिए रखे हों, लेकिन कोई मैटर नहीं है, आप आसानी से यहाँ पर जुड़ करके अच्छी से तैयारी करेंगे। और एक बात मैं बता दूँ आपको, बस आपको थोड़ा सा समय मुझे देना पड़ेगा, और उस समय के अंतर्गत लगभग आप मुझको जो है 25 से जो है 30 घंटे 25 घंटे या 30 घंटे जितने चैप्टर होंगे उतने घंटे की क्लासेस होंगी, तो लगभग 30 घंटे मैं मान के चलता हूँ प्रैक्टिस वगैरह मिला करके, लगभग 30 घंटे 30 वीडियो आपको पेपर वन, और इसी प्रकार से 30 ही मान लीजिए पेपर टू, मतलब 60 डेज आप अगर जो है सोशियोलॉजी को दे देंगे आसानी से आपका समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट जो भी हैं आपके कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे, उसकी भी सिलेबस के बारे में आपका डिस्कशन हो जाएगा, और एक समय में आते समय आपको एक प्रकार से शेड्यूल फिक्स कर दूंगा कब आपकी क्लासेस लाइव होंगी, तो वो आपके सामने मिल जाएगी। एक बार ध्यान रखें, कमेंट्स आपके मैं देख नहीं पाऊंगा, कमेंट्स देखूंगा तो आपके जो है मेरे एक प्रकार से बता दूँ जो है समय ज़्यादा लग जाएगा। आप लाइव चैट करते रहिएगा, लाइव चैट में एक प्रकार से आप देखेंगे, लाइव चैट में मैं आपका रिप्ले जो है दे दूंगा, ओके। तो लाइव चैट में आपको रिप्ले मिलता रहेगा, जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका रिप्ले आपको मिलता रहेगा, बट आपके जो है एक प्रकार कमेंट्स पढ़ने में अगर फंस जाऊँगा तो ज़्यादा समय लगेगा। एक दिन जो है हफ्ते में एक दिन, मतलब कि संडे को मैं आपके सामने लाइव ओपन सेशन करूँगा, जिसमें आप सभी लोग आसानी से जुड़ सकें, और जुड़ने के बाद में आप वहाँ पर अपने सवालों के मतलब सवाल रखेंगे, जैसे कि बीए से संबंधित जो सवाल होंगे आपके, उनमें कितने पेपर होते हैं सर, और ये मतलब कि उसमें क्वेश्चन ये नहीं रहेंगे कि सर सोशियोलॉजी क्वेश्चन बताइए, ज्योग्राफी का बताइए, ऐसे नहीं, आप अपने लाइफ से जुड़े सवालों को उसमें पूछें, आप तमाम सारी चीज़ें होती हैं, आप थोड़ा वार्तालाप करेंगे, तो ये सेशन रखेंगे, वार्तालाप सेशन संडे को अवश्य रखा जाएगा, ठीक समझे। यहाँ पर तो मेरे भाई मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर जो है पेपर वन पेपर टू ये सब होता है जब आप, और एक प्रकार से बीए के बारे में बता दूंगा कि आप बीए करें आप जो है बीएससी करें, इसके बारे में बता दूंगा, बीए अच्छा होता है बीएससी अच्छा होता है, ये भी आपको बता दूंगा, ठीक। देखिए तो प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे, समाज शास्त्र का परिचय, जिसका नाम क्या है, पेपर का नाम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, आप किसी भी विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं, अगर बीए की बात करूँ जनरली, तो बीए में अगर आप विषय वस्तु पढ़ने बैठ गए हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप अपने प्रश्न पत्र का नाम जाने। आप जैसे सोशियोलॉजी लिए हैं तो सोशियोलॉजी का आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर का क्या नाम है, तो आपके पेपर का नाम है समाजशास्त्र का परिचय। जब भी ध्यान रखेंगे कोई भी विषय वस्तु आप पढ़ने जाएंगे, तो अगर बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ने गए हैं तो आपको उसके परिचय के बारे में, उसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक होता है, और जाहिर सी बात है एग्जामिनर्स यही चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ वाले यही चाहते हैं कि आपको वह चीज़ें पता चलें, ताकि आप जो है उसके बारे में आगे आने वाले समय में बीए सेकंड ईयर में जाएं तो आप उस चीज़ों से अवगत रहें, जो कि आपको एक जैसे कि यहाँ पर जो समूह लिखा है या समिति लिखी है, जो भी लिखा है यहाँ पर समिति लिखी है, उस समिति को हम बीए सेकंड ईयर में आपको परिभाषित नहीं करेंगे, लेकिन बीए फर्स्ट ईयर में हम उसको परिभाषित करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्यों बताएंगे मेरे भाई, चूँकि आपको जब पता होगा कि समिति क्या होती है, संस्था क्या होती है, समूह क्या होता है, परिवार क्या होता है, विवाह क्या होता है, विवाह कितने प्रकार का होता है, किस किस तरीके से होता है, आज विवाह का परिप्रेक्ष्य किस प्रकार से बदल रहा है, वर्तमान परिदृश्य देखेंगे, वर्तमान में प्रासंगिकता देखेंगे हर एक मुद्दे की, तो इस प्रकार से प्राचीन को यानी कि आदि को एक प्रकार से हम जो है वर्तमान से जोड़ने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार से कुछ तारतम्य होगा, मेरे शब्दों में भी ऐसे तारतम्य होगा कि आप जो है अगर शुरुआत से 5 मिनट मेरी वीडियो देख लेंगे लगातार, तो आपको आगे के जो है वीडियो देखने में मज़ा आएगा और सभी मुद्दे समझ में आएंगे। तो सबसे पहला काम समाजशास्त्र का परिचय, जो पेपर का नाम है उसको जानना अति आवश्यक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि एक जो है एक अगर आप सही तरीके से समझ लेंगे पेपर में, तो आने वाले समय में आपको इतनी समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप समझेंगे, और किसी भी आप जो है उससे हैं कोई मैटर नहीं करता। समाजशास्त्र का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, अंग्रेजी वालों इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का परिचय समाजशास्त्र का परिचय, ओके पेपर का नाम है, पाठ्यक्रम न्यू सिलेबस 2022-23, इसी प्रकार से आपके सिलेबस होंगे, ठीक। एक बार सिलेबस अपने पाठ्यक्रम से मिलाने का जरूर प्रयास करें, ठीक। देखें सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई, सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति, सबसे पहली बात, आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो पेपर वन है, वह 5 इकाइयों में मेरे भाई बटा हुआ है। इकाई क्या होती, इकाई मतलब होता है चरण,
इकाई मतलब होता है यूनिट। यूनिट मतलब समझते हैं ना, एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट। यूनिट मतलब होता है एक प्रकार से आपकी कुछ ऐसे चैप्टर्स के समूह, अध्यायों के समूह को हम क्या कहते हैं, समझिए। अगर अध्यायों के समूह को हम क्या कहते हैं, अध्यायों के, मान लेते हैं अध्यायों के क्या हैं, समूह हैं, तो अध्यायों के समूह को हम कहते हैं क्या, इकाई। क्या कहते हैं, एक से, मतलब कि जब एक जैसे तमाम सारे अध्याय मिल जाते हैं तो उस अध्याय के समूह को हम क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। और बहुत सारी इकाइयाँ बन करके क्या बनाती हैं, एक प्रश्न पत्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक प्रश्न पत्र। जब विभिन्न इकाइयाँ एक ही जो है परिप्रेक्ष्य की, एक ही प्रकृति के, जब एक ही प्रकृति के, एक ही नेचर के विभिन्न लेसन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो है, सॉरी, जो है सेम लेसन क्या होते हैं, एक प्रकार से सब समाहित होते हैं, समूह होता है उनका, ग्रुप्स होते हैं। जब एक ही मतलब तमाम सारे लेसन, तमाम सारे अध्याय जो होते हैं एक में जो है मर्ज हुए होते हैं, पिरोए हुए होते हैं, तो उसके संगठन को हम क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। और जब मेरे प्यारे दोस्तों विभिन्न इकाइयाँ आपस में मिलती हैं सेम कैटेगरी की, तो उस इकाई को हम क्या कहते हैं, प्रश्न पत्र कहते हैं, उसको हम प्रश्न पत्र के नाम से जानते हैं। और जब बहुत दो तीन चार प्रश्न पत्र मिल जाते हैं, दो प्रश्न पत्र या तीन प्रश्न पत्र मिल जाते हैं, तो उसको हम एक सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। और एक सब्जेक्ट क्या, एक प्रकार से अधूरा सब्जेक्ट, या फिर एक सेमेस्टर का सब्जेक्ट, या एक ईयर का सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं BA के अकॉर्डिंग ये सारी बातें आपको समझाया हूँ। ठीक, अब यहाँ पर हम समझते हैं, आखिरकार इकाई समझ गए। तो इकाई क्या है, विभिन्न प्रकार के अध्यायों का ऐसा समूह है जो कि अध्याय आपस में क्या रखते हो, समानता रखते हो। इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पर जो यूनिट वन है आपका, यानी इकाई वन, जब BA फर्स्ट ईयर में आप पढ़ते हैं इकाई वन, इकाई वन में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी में समझो, समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र की प्रकृति, द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। क्या, द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेचर मतलब होता है प्रकृति, ठीक, और सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र। आप तो है आपका क्या, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है, जो नाउन के पहले की पोजिशन को बताता है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्री मतलब होता है पहले, पोजिशन मतलब होता है स्थिति। तो प्रीपोजिशन मतलब कि जो पहले की स्थिति को बता दे, किसके, नाउन या फिर जो है उसके, क्या बोलते हैं उसको, नाउन के बाद में क्या आता है आपका, तो संज्ञा सर्वनाम, जिसको हिंदी में कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की जो पहले की स्थिति बता दे उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, प्रीपोजिशन कहते हैं। अर्थात इसका जो है पोजिशन फिक्स होता है नाउन के अकॉर्डिंग। इंग्लिश ग्रामर अगर आपने पढ़ा होगा, SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें, मैं ग्रामर नहीं पढ़ाने आया हूँ, समझे। तो समाजशास्त्र की प्रकृति, द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, इतनी बात समझ में आई। तो इसके अंतर्गत हम नेचर पढ़ेंगे, अर्थात नेचर उसका, आप कहते हैं कि फलाने का नेचर आपका, फलाने का नेचर बेकार है, इस व्यक्ति का नेचर बिल्कुल बेकार है, इसका जो है नेचर ऐसा है, उसका नेचर वैसा है, आप बोलते नहीं हैं। नेचर मतलब हिंदी में प्रकृति होता है, लेकिन प्रकृति एक दूसरी प्रकृति होती है, लेकिन यह प्रकृति उस प्रकृति से अलग है। अर्थात जो प्रकृति आप समझ रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला प्रकृति, तो वो प्रकृति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। प्रकृति मतलब उसका नेचर क्या है, उसकी उसके बारे में क्या है, मतलब कि उसके वह क्या है, तो उसी को नेचर कहते हैं। जैसे कि मैं क्या हूँ, मेरी प्रकृति क्या है, मेरा नेचर कैसा है, तो आपको पता होगा मेरे सर का नेचर अच्छा है, सर ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, तो एक प्रकार से मेरा नेचर, या सर का नेचर बुरा है, तो आप बताएंगे कि हाँ सर का नेचर ऐसे ऐसे बुरा है। तो मैं जैसा हूँ ना, तो वो क्या हो गया, मेरा नेचर हो गया। अब समझो नेचर, अब समाजशास्त्र का नेचर क्या है भाई, समझो समाज। और ध्यान रखेंगे यह लेक्चर, आप आगे चल करके BA थर्ड ईयर में भी यह लेक्चर महत्वपूर्ण आएगा आपका। आगे चल करके आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप चाहे ISPCS की तैयारी करें आगे चल करके, और चाहे TGT PGT की तैयारी करें, और चाहे NET JRF की तैयारी करें, आने वाले समय में मतलब कि जो है आप अगर इस मुद्दे को समझेंगे, आसानी से सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर भी क्लियर होंगी। ठीक, तो वहाँ से भी पूछे आते रहते हैं। तो अब यहाँ पर समाजशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर समाजशास्त्र का अर्थ, सबसे पहले हमको समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में चर्चा करनी होती है। समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है, यानी समाजशास्त्र जो है आपका दो शब्दों से मिलकर के बना, सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो जानिए, समाजशास्त्र आपका दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है सोशियस और दूसरा क्या है, लोगास। सोशियस, लोगास, लोगास का सीधा सा मतलब होता है लॉजी, जो शब्द होता है ना अंग्रेजी का,
अंग्रेजी का जो लॉजी शब्द होता है मेरे भाई, लॉजी शब्द जो होता है वह लोगास शब्द से ही बना हुआ होता है। किससे? लोगास शब्द से ही लॉजी शब्द आपका बना हुआ होता है। अब विस्तार से हम चैप्टर में समझाएंगे, वैसे इसका चैप्टर अपलोडेड है, उसको देख लेंगे तो मुद्दा क्लियर हो जाएगा, लेकिन विस्तार से आपको बोर्ड पर उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर समझेंगे समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र के अर्थ में हम विभिन्न मुद्दों को समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति जो हुई है कैसे हुई है। आप कहते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई, तो 1838, आपको पता है कि नहीं पता, 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र नाम की विषय वस्तु का क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। किसने भैया इसको उद्भव का श्रेय आता है, तो फ्रांस के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अगस्त कॉम्टे। क्या नाम था? अगस्त कॉम्टे नाम था उनका, फ्रांस के व्यक्ति थे, फ्रांस में उनका जन्म हुआ था। और वही जो अगस्त कॉम्टे हैं, उन्होंने 1838 की बात है, सन 1838 ईस्वी में अगस्त कॉम्ट के नाम अगस्त कॉम्ट नाम के एक महोदय ने, एक विचारक ने, एक सोशियोलॉजिस्ट ने, एक विद्वान ने क्या किया, उस विद्वान ने मेरे प्यारे दोस्तों सोशियोलॉजी शब्द दिया। सोशियोलॉजी शब्द दिया किसको? समाजशास्त्र को। तो आपसे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव वालों यह भी प्रश्न बनता रहा लगातार एग्जाम्स में कि समाजशास्त्र के उदय से पहले, समाजशास्त्र के उदय के पहले समाजशास्त्र को किस नाम से जाना जाता था, तो वह नाम था आपका मेरे भाई, उस नाम का क्या है, उसका नाम सामाजिक भौतिकी। क्या नाम था? सामाजिक भौतिकी। सोशल जो है एक प्रकार से भौतिकी को क्या कहते हैं, फिजिक्स, सोशल फिजिक्स उसको हम कहते थे, यानी सामाजिक भौतिकी के नाम से। लेकिन आए भैया कौन 1838 में, कौन आए, ध्यान रखेंगे, फ्रांस के निवासी थे, किसका क्या नाम था, अगस्त कॉम्ट। कहीं कहीं पर आपको अगस्त कॉम्टे मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको अगस्त कॉम्ट ही मिलेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ही बंदा है वो, एक ही व्यक्ति है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो अगस्त कॉम्टे ने इसकी उत्पत्ति बताई कब, 1838 में। आपसे एग्जाम से यही प्रश्न बनता है कि भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब प्रारंभ होती है, भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब प्रारंभ होती है, तो भारत में होती है अंग्रेजों के यहाँ पर हुई थी 1907 में। अंग्रेज आपसे पूछेगा ब्रिटेन में समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई है, तो ब्रिटेन में समाज एक पृथक विषय के रूप में, समझिए एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई है, एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1938 में, एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1938 ईस्वी में आप मान सकते हैं। पृथक विषय समझते हैं एक अलग विषय के रूप में, जिसमें किसी भी विषय का हस्तक्षेप ना हो, अकेला समाजशास्त्र हो, और अकेले समाजशास्त्र का उदय 1938, एक पर समाजशास्त्र का उदय 1838। एक प्रकार से आपसे पूछे एक विशिष्ट विषय के रूप में, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे एक विशिष्ट विषय के रूप में समाज का शास्त्र का अध्ययन ब्रिटेन में कब प्रारंभ हुआ, क्योंकि ब्रिटेन जो था, जब इस समय हमारे भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है तो ब्रिटेन में, यानी जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वो इसी का शासन हमारे भारत पर चल रहा था। और ध्यान रखेंगे ब्रिटेन के उपनिवेश हम थे, हम लोगों पर शासन किसका चल रहा था, तो ब्रिटेन का चल रहा था, वहाँ की महारानी का चल रहा था शासन हमारे ऊपर। वो क्या बनाती थी, कानून बनाती थी, आप 1919 का कानून देखें, 1909 का, 1935 का भारत शासन अधिनियम देखें, तो एक प्रकार से वहाँ से कानून बन के आता था, हम लोगों पर लागू होता चलता था, हमारे विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा डिसाइड कौन करता था, तो वहाँ के लोग डिसाइड करते थे, बड़े बड़े लोग कौन, अंग्रेज लोग डिसाइड करते थे। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा, चूँकि यहाँ से प्रश्न बनता है, क्योंकि भैया हमारे यहाँ पर राज कौन कर रहा था, राज कर रहे थे अंग्रेज आपके, वैसे ऐसे समझिए अंग्रेज राज कर रहे थे आपके, तो अंग्रेज भाई तो डिसाइड करेंगे ना कि कहाँ पे आपको क्या पढ़ाना है, बोलो कि हाँ कि ना, सही कह रहे हैं ना, तो अंग्रेज डिसाइड करेंगे। तो भैया 1907 में जब उन्हीं लोगों ने पढ़े ना, 1907 ईस्वी में अंग्रेज भाई जो है, जो थे, उन्हीं को पढ़ने को मिला जब समाजशास्त्र में, तो हम उससे पहले हमारे यहाँ पर कैसे भेज देंगे, वो बड़े चालू थे ये लोग, और बड़े चालू थे तो हुआ का भैया, ये कहे नहीं, सात साल के बाद इन्होंने 1914 ईस्वी में भारत में प्रारंभ होता है समाजशास्त्र का एक विशिष्ट विषय के रूप में अध्ययन, समझिए कब प्रारंभ होता है, 1914 ईस्वी में। इससे पहले 1907 ईस्वी में ब्रिटेन में प्रारंभ हो चुका है,
अब ब्रिटेन में वहाँ पर पहले प्रारंभ हुआ कि हाँ ब्रिटेन में समाजशास्त्र कोई विषय वस्तु है, ठीक ठाक है, ठीक चलो पढ़ गया, ठीक अच्छा लग रहा है कि हाँ अपने जो है इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में हमको जानने को मिल रहा है, ठीक बड़ी रुचिकर विषय वस्तु समझेंगे ना। एक मुद्दे को जब हम समझेंगे, आप बी फर्स्ट ईयर के सारे मुद्दों को समझेंगे, जब धर्म संस्कार ये सब चलेगा ना सेकंड पेपर में, मज़ा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको पता नहीं होगा शादी वगैरह के बारे में जब पढ़ेंगे, आप विवाह के बारे में पढ़ेंगे, यहीं पर एक चैप्टर होगा विवाह और परिवार, जब विवाह और परिवार के बारे में पढ़ेंगे आपको पता नहीं होगा कि भारत में भी ऐसे विवाह होते हैं, ऐसे परिवार होते हैं। आजकल जो आप लोग लव स्टोरी करते हैं, अगर उसका आप अंजाम देते हो यानी शादी करते हो, तो आखिरकार उस विवाह का प्रचलन पहले था? अगर था तो उसको क्या कहा जाता था, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? इन सभी मुद्दों को भी समझें। वैसे बात करें प्रेम विवाह को, आज के पहले गंधर्व विवाह के नाम से जाना आता था, ठीक समझिए, समझाएंगे जो 8-9 प्रकार के विवाह होते हैं, आर्ष विवाह, ऋषि विवाह, ब्रह्म विवाह, जो है तमाम प्रकार के विवाह होते हैं समझाऊंगा, ठीक है, राक्षस विवाह, तमाम प्रकार के विवाह। तो 1914 ईस्वी में भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। सारे मुद्दे समझ में आ रहे हैं ना? ऐसे अगर आपको पढ़ाऊँ तो क्या आपके सारे मुद्दे समझ में क्लियर होंगे ना? तो सेम ऐसे आपको समझाने का प्रयास करूँगा, और जब जो है सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तो एक चैप्टर लूँगा, उस चैप्टर के अंततः तक घुस जाऊँगा। आपको सोशियोलॉजी दोबारा किताब उठा करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस सेट आपको लास्ट में करवाऊँगा मेरे भाई, तो उसके लिए तैयार रहना, ठीक। और ध्यान रखेंगे, मैं जब पढ़ाऊँगा, पढ़ाने के बाद में मैं टेस्ट अवश्य लूँगा आपका, और टेस्ट में जिसके नंबर अधिक आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, उसका नाम भी मैं जो है शुक्ला डिपार्टमेंट चैनल पर अनाउंस करने मतलब की करूँगा, ठीक, ध्यान रखेंगे बात। चलिए मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ने का प्रयास करें, अपने हाथ जोड़ करके निवेदन है, अपने सभी भाइयों बंधुओं को जोड़िए, क्योंकि अब क्रांति आएगी यूट्यूब के इतिहास में, सोशियोलॉजी या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री या फिर हिंदी साहित्य को लेकर के, हिंदी साहित्य जो आपको जटिल विषय वस्तु लगती है, बहुत ज़्यादा जटिल है, क्लिष्ट शब्दावली है, उन क्लिष्ट शब्दावलियों को आपकी गवई भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। एक एक चीज़ों को जो आपकी व्याख्या खंड है उसको आपको एकदम से निचोड़ के बता दूंगा, कोई मुद्दा बचेगा नहीं, बस चिंता ना करो आप लोग, बस आसानी से पढ़ो मेरे भाई, ठीक, क्योंकि बीए ही करो और बीए में एक प्रकार से तहलका मचा दो पूरे संसार में, और उसके साथ साथ तैयारी आप करते रहो, तैयारी करो झोंकुआ, तैयारी करो झोंकुआ, तैयारी करने के बाद में झोंकुआ पढ़ाई करो बीए की, क्योंकि बीए और आपका जो तैयारी कंपटीशन की है दोनों क्या है, मर्ज हैं, इसके भी क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे आपके, ठीक समझिए। तो 1914 ईस्वी में सोशियोलॉजी का प्रारंभ होता है, कहाँ पर, कहाँ पर, तो भारत में। अब यहाँ तक आप छूटेंगे नहीं कि भारत में होता है 1914 में, तो जान गए नहीं, अब भारत में होता है भैया, तो भारत में कहाँ पर होता है? भारत में अगर सोशियोलॉजी पढ़ा जा रहा है, शुरू हुआ 1914 में, तो किस विश्वविद्यालय में शुरू हुआ, प्रश्न यहाँ खड़ा हो गया, जानो बम्बई विश्वविद्यालय। उस समय बम्बई विश्वविद्यालय जो था, सबसे पहले भारत में किस विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ, तो भारत में 1907 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र का अध्ययन एक विशिष्ट विषय के रूप में, एक पृथक विषय के रूप में प्रारंभ करवाया। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र विषय को मान्यता प्रदान की, तो कौन सा विषय है सबसे पहले अध्ययन कहाँ पर प्रारंभ हुआ, किस विश्वविद्यालय में, तो भैया कहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है लखनऊ विश्वविद्यालय में। कहाँ पर हुआ, लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम जो है शुरू हुआ, यूपी की दृष्टि से यानी यूपी राज्य के अंतर्गत, जबकि बम्बई में 1907 ईस्वी में, मतलब कि 1914 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था, ध्यान रखेंगे 1914 में, ठीक 1914 में प्रारंभ हो गया था बम्बई विश्वविद्यालय में। इतनी बात क्लियर हुई, तो ये उत्पत्ति संबंधित था, इसको हम समझेंगे चैप्टर में। अब हम मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं डीपली आपको समझाने का प्रयास करूँगा तो थोड़ा आपका जो है सिलेबस थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इससे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बता देते हैं, तो उसके लिए आप मतलब पहले के जो आपके सीनियर वगैरह रहे हैं वो, वैसे आप लोगों को जाहिर सी बात है मज़ा आ रहा है, मुझे पता है कि मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, तो आपको पढ़ने में कैसे नहीं मज़ा आएगा। चले तो समाजशास्त्र के अर्थ में हम उत्पत्ति देखेंगे, इसकी कैसे उत्पत्ति हुई समाजशास्त्र की, समाजशास्त्र का क्या क्या इतिहास रहा है, अमेरिका में कब प्रारंभ हुआ, इन सभी देशों में कब कब प्रारंभ हुआ, इसको देखने का प्रयास करेंगे। आखिरकार समाजशास्त्र जो विषय वस्तु बनी, आखिरकार क्यों बनी, क्यों ज़रूरत पड़ी समाजशास्त्र को पढ़ने की, आखिरकार एक बच्चा या फिर आप हैं तो आप समाजशास्त्र को क्यों पढ़ेंगे, क्यों ज़रूरत पड़ गई समाजशास्त्र पढ़ने की, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे, समझ गए ना। चलिए उसके बाद में हम परिभाषा देखेंगे, परिभाषा क्या होती है, इसको अंग्रेजी में, उत्पत्ति को अंग्रेजी में ओरिजिन कहते हैं, ध्यान रखेंगे ओरिजिन कहते हैं, ठीक, और मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी में आप ओरिजिन देख लीजिएगा, ओरिजिन देखेंगे, एक एक चैप्टर के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे, हो सकता है एक ही चैप्टर में सारे के सारे मुद्दे को समझा दूँ। अब मेरे पास तो ध्यान रखेंगे,
यहाँ पर चैप्टर की कैटेगरी मैं डिसाइड करूँगा अध्ययन की सुविधा के हिसाब से। अब ये मत कहना कि मेरे बुक में ये नहीं है, मेरे बुक में जो है सर चैप्टर 3 में है जो आपने चैप्टर 1 में बता दिया, या चैप्टर 4 में है जो आपने चैप्टर 2 में बता दिया, ये मत कहना कोई, ठीक। ध्यान रखेंगे अध्ययन की सुविधा के हिसाब से मैं कैटेगराइज करूँगा स्वयं, और आप आसानी से पढ़ें, आपका कोई भी डाउट्स कोई भी मुद्दा आपके बचेगा नहीं, आप बात ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए भाई समझो, यहाँ पर विषय क्षेत्र आपका हो गया, परिभाषा आप समझेंगे, डेफिनेशन क्या होती है, समाजशास्त्र की परिभाषा उसमें बताई जाएगी। समाजशास्त्र की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने बताई है और अलग अलग मत के हिसाब से बताई है, किसी ने अलग मत बताया तो किसी ने अलग मत बताया, दोनों के मतों को हम समझेंगे, सभी के मत दो क्या चार प्रकार से मैं उसको बांटूंगा, कटघरी करके आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर उसकी परिभाषा को देखेंगे, विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषा दी है, और उन परिभाषाओं के माध्यम से एक अपनी परिभाषा आपको बताऊंगा और उस परिभाषा के माध्यम से आपको समझा दूंगा। तो आपका चाहे लिखित पेपर हो और चाहे आपका कैसा पेपर हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, सभी से वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके विषय क्षेत्र को देखेंगे, स्कोप, जिसको अंग्रेजी में स्कोप कहते हैं, स्कोप माने विषय क्षेत्र होता, ठीक। तो विषय क्षेत्र देखेंगे, यानी समाजशास्त्र में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विषय क्षेत्र। समाजशास्त्र का अध्ययन हम किन किन क्षेत्रों में करते हैं, कहाँ तक फैला हुआ है, किन किन मुद्दों को कवर करता समाजशास्त्र, ये पढ़ते हैं हम विषय क्षेत्र के अंतर्गत इसके। उसके बाद में आपकी प्रकृति होती है, प्रकृति मतलब क्या होता है, नेचर, समझ गए, नेचर तो हमने आपको पहले बताया, नेचर के अंतर्गत ही सारे मुद्दे आते हैं, नेचर एक प्रकार से। अब इसका नेचर हम कैसे समझेंगे कि यह एक विज्ञान है या फिर एक सामाजिक विज्ञान है, यहाँ पर नेचर का मतलब थोड़ा अलग होगा। यहाँ पर नेचर का मतलब है कि क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है या एक जो है एक प्रकार से मानवीय सब्जेक्ट है, समझेंगे इसको, ठीक है। चलिए, और आखिरकार उसका अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध रहा है, जैसे पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स भी आपके चैनल पर पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। वैसे 2-3 लेक्चर अपलोडेड है, देख लीजिएगा उसको, 4 लेक्चर अपलोड हैं उसके, उसको देख लीजिएगा, ज़्यादा आपको डाउट्स जो है होंगे सारे के सारे क्लियर होंगे, समझें यहाँ पर। तो आखिरकार सोशियोलॉजी का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, हिस्ट्री के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र का, मानवशास्त्र के साथ क्या संबंध है, राजनीति शास्त्र के साथ क्या संबंध है, इसी प्रकार से अन्य विज्ञानों के साथ, अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र का आखिरकार क्या संबंध है, इसको देखेंगे, ठीक है। यह होता है एक प्रकार से नेचर एंड रिलेशनशिप या फिर रिलेशन ऑफ अदर सोशल साइंसेज। तो आपका इकाई 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है, इकाई 1 यहीं पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इतने मुद्दे क्लियर हुए ना मेरे भाई, बोलो क्लियर हुए तो फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों लाइक तो कर दीजिए, एक लाइक तो बनती है मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी मेहनत से एक लाइक बनती है, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाने के लिए आ जाता हूँ, बिल्कुल एकदम से, आपको कोई कुछ नहीं करना, आपको PDF वगैरह भी देने का हो सकता है प्रयास करूँ, आने वाले समय PDF वगैरह भी आपको दे दूँगा जो है थोड़ी दिन के बाद में, ठीक। ध्यान रखिए अभी थोड़ा बिजी चल रहे हैं, और बीजी क्यों चल रहे, चूँकि आपको पढ़ाएंगे तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता PDF वगैरह सेट करने का, और जल्दी आपके सामने PDF वगैरह सेट करके आपको देने का भी प्रयास करूँगा, उसमें आप लोग संशय मत करिएगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरा हम आते हैं इकाई 2 पर। इकाई 2 समझिए, आधारभूत अवधारणा, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं अंग्रेजी वालों, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे हम सोशियोलॉजी के। सोशियोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि कुछ आधारभूत अवधारणाएँ होती हैं, उन आधारभूत अवधारणाओं को हमको जानना अति आवश्यक होता है। अगर हम किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो हर विषय वस्तु में कुछ ना कुछ अवधारणाएँ होती हैं, उन अवधारणाओं को हमको समझना अति आवश्यक होता है, समझना जरूर पड़ता है। और जब हम प्रकृति समझेंगे सोशियोलॉजी की, तो हम प्रकृति के अंतर्गत क्या समझेंगे, प्रकृति के अंतर्गत मेरे पास दोस्तों बहुत सारे मुद्दे और भी हैं उसके अंतर्गत, चैप्टर में यहाँ पर लिखा हुआ तो आपको छोटा लग रहा है कि सिलेबस छोटा है, सिलेबस ठीक ठाक है आपका, उसको आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपका क्या आता है, समाज आता है, सोसाइटी। समाज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी क्या होती है, समाज क्या होता है, मैकाइवर पेज व्यक्ति का नाम सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं, मैकाइवर पेज व्यक्ति थे, उनका नाम था मैकाइवर और पेज, दोनों क्या थे एक प्रकार से, मैकाइवर और पेज दोनों साथ ही साथ रहते थे, और उन्होंने साथ ही साथ में परिभाषा अधिकतर मात्रा में दी है मैकाइवर और पेज। तो मैकाइवर पेज कहते हैं समाज की परिभाषा देते हुए कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल होता है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है, मतलब समाज क्या है एक प्रकार से अमूर्त प्रक्रिया होती है। समाज आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि समाज भैया ये मतलब मानते हैं मार्कर है, मार्कर क्या है, मूर्त चीज़ है। मूर्त मतलब क्या है, इसको हम छू सकते हैं, हमने छू लिया, ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको हमारी आँखों के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं, आपको दिखाई पड़ा मार्कर, ये क्या है, मूर्त है। तो जो चीज़ आपको दिखाई पड़े वो क्या है, मूर्त है, लेकिन जो चीज़ आपको दिखाई ना पड़े, जैसे मेरी वाणी जो मैं बोल रहा हूँ,
तो मेरा मुंह तो दिखाई पड़ा, तो मुंह क्या है आपका? मुंह मेरे प्यारे दोस्तों मेरा क्या है? मुंह मेरा प्यारे दोस्तों आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। मुंह क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट चीज़ें दिखाई पड़ती है, लेकिन जो क्रियात्मक चीज़ें होती हैं वो मोशन होती हैं, जो गति वाली होती हैं वो नहीं दिखाई पड़ती। समझिए, जो क्रियात्मक चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती और नॉन क्रियात्मक चीज़ें वो ऑब्जेक्टिव होती हैं, वो दिखाई पड़ती हैं। समझो, यहाँ पर समाज जो होती है, संबंधों की व्यवस्था होती है, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ जो है, मेरी आवाज़ जो निकल रही है वह क्या है? ना तो आवाज़ को हम छू सकते हैं, ना आवाज़ को देख सकते हैं। तो आवाज़ एक अमूर्त प्रक्रिया है, यानी वॉइस इज़ अ अबस्ट्रैक्ट। वॉइस क्या है? अबस्ट्रैक्ट है आपका। अबस्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा होगा, डोंट टच डोंट सीन इज कॉल्ड अबस्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हम ना छू सके ना टच कर सके, वही क्या है आपका? अबस्ट्रैक्ट नाउन होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि जिसको हम ना तो छू सकते हैं ना तो देख सकते हैं, लेकिन मेरा मुंह आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वहाँ से नहीं छू सकते हैं लेकिन हाँ छू सकते हैं। ठीक, अब समझे यहाँ पर। तो ठीक वॉइस की तरीके से होता समाज। समाज क्या होता है? मैकावर पेन ने कहा, एक सामाजिक संबंधों की प्रक्रिया होती है। अब जब सामाजिक संबंधों की प्रक्रिया होती है, तो भैया आपने कभी आज तक प्यार को देखा कि प्यार, वो देखो प्यार उड़ रहा है, आपने देखा कि वो घृणा है वो उड़ रही है, यानी लव कहीं उड़ते हुए देखा या फिर हेट कहीं उड़ते हुए देखा? नहीं देखा होगा। तो ऐसे होता है आपका समाज। समाज को आप देख नहीं सकते हैं, यानी हमारे और आपके बीच में क्या संबंध है, और आपके और फला के बीच में, यानी फलाने के बीच में क्या संबंध है या नहीं दिखाई पड़ रहा। निरहू का घुरहू के बीच में क्या संबंध है ये आपको नहीं दिखाई पड़ रहा। मगरे का गोबरे के बीच में क्या संबंध है ये संबंध आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मगरे और गोबरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि समाज जो होती है, संबंधों की प्रक्रिया होती है। समाज में, यानी समाज के जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो समूह होता है उसको हम तो समूह कहते हैं, लेकिन उन समूहों में जो संबंध चलते हैं कि आज मेरे पास जो है दो खुराक रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है, बगल वाले चाची के यहाँ पहुँच गए कि चाची जी मुझको दो खुराक आटा दे दीजिए, मेरे यहाँ पर आज नहीं है, कल मैं आपको आटा लौटा दूँगा। तो यह क्या हो गया? यही हो गया मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्या संबंध है। अब आपका और आपके चाची के बीच का संबंध कैसा है? मधुर है, तो उस संबंध को हम क्या कहेंगे? वह भी समाज का निर्माण करता है। लेकिन आप किसी से लाठी चलाते हैं, किसी से गोलीबारी करते हैं, झगड़ा करते हैं, हालांकि ऐसा करना एक प्रकार से अनुचित है, अगर ऐसा करते तो यह भी एक प्रकार संबंधों की व्यवस्था है। तो विभिन्न समाजों में अलग अलग प्रकार से संबंध होते हैं, चाहे जैसा भी संबंध हो, एक दूसरे के बीच में अगर संबंध है, किसी भी दो व्यक्ति, चार व्यक्ति, दस व्यक्ति, पंद्रह व्यक्ति, बीस व्यक्ति के बीच में अगर संबंधों की जटिलता पाई, संबंधों की व्यवस्था पाई जाती है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चाहे 10 लोग रहते हों, चाहे 25 लोग रहते हों, चाहे आपके उसमें 1000 लोग रहते हों, चाहे 10 करोड़ लोग रहते हों। समझे, अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा आपका मानव और पशु समाज को लेकर के। आखिरकार क्या पशुओं का भी एक समाज होता है? कभी आपके मन में प्रश्न उठा? अगर नहीं उठा, अभी आप छोटे हैं, अभी आप इंटर क्रॉस करके आए, अगर आपने समाज साथ पढ़ा होगा इंटर में तो आपको पता होगा, लेकिन आप साइंस साइड से आए तो ज़रूर एक विषय आपको जटिल लग रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, जटिल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो क्या पशुओं में भी समाज होता है? तो भैया सोचो, पशु में संबंध पाए जाते हैं? देखो, पशु में संबंध होते हैं? सोच में पड़ गए आप लोग कि सर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो भैया पशुओं में भी संबंध होते हैं। एक भैंस का बच्चा, उसी बच्चे मान लेते भैंस का बच्चा जो है वह पैदा हुआ, भैंस ने बच्चा दिया, अब वह अपने बच्चे को ही दूध, दो भैंसों ने मान लेते बच्चा दिया, अब एक का बच्चा जो है मान लेते हैं एक भैंस, दो भैंस हैं और दोनों ने बच्चा दिया, अब बच्चा दिया मान लेते हैं दोनों ने बच्चा दिया, अब क्या हुआ, जो दो वाला बच्चा है एक वाले भैंस के, पहले वाली भैंस का अगर बच्चा दूध पीने आएगा तो ये लात मारेगी, मतलब नहीं पीने देगी, मतलब दूध नहीं पीने देगी, लेकिन एक वाला दो के पास जाएगा तो वह भी नहीं पीने देगा, लेकिन एक वाला अपने माता के पास जाएगा और दो वाला अपने माता के पास जाएगा तो दूध बाकायदा से पीने देगा। मतलब क्या है, वह समझ रही है कि यह मेरा ही बच्चा है और उसमें दोनों में क्या है, संबंध पाया जाता है। तो पशुओं में भी संबंध पाया जाता है। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि पशु भी समाज का निर्माण करते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे, सर जी क्या पशु समाज भी हमको सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा? आंसर है नहीं, आपको पशु समाज एग्जाम्स में नहीं पढ़ना है। पशु समाज होता तो है, लेकिन आपके समाज शास्त्र
यानी समाज शास्त्र जो है वह पशु समाज का अध्ययन नहीं करता। आपसे एग्जाम से ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न बन सकता है कि क्या पशु समाज, ये क्या समाज शास्त्र पशु समाज का अध्ययन करता है, तो उसमें ऑप्शन मिलेगा करता है, ए ऑप्शन, बी मिलेगा नहीं करता है, सी ऑप्शन मिलेगा करता है, और मतलब कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही, या डी मिलेगा आपको इनमें से कोई नहीं, तो आप सीधे लगाएंगे कि नहीं करता है। ठीक, समाज शास्त्र केवल मानव समूहों का, मानव समाज का, सीधे सीधे जो मानव समाज होता है उसी का अध्ययन करता है। कौन? तो मानव समाज का अध्ययन करता है आपका समाज शास्त्र। सिंपल, यहाँ पर समझें आप, तो समाज के बारे में आप समझ लिए, समाज क्या? संबंधों की व्यवस्था होती है। तो समाज क्या है? एक प्रकार से अमूर्त व्यवस्था होती है। उसके बाद में आपका समुदाय आता है। समुदाय मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? समुदाय जीवन पर्यंत चलता रहता है। समुदाय समझते हैं कम्युनिटी, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कम्युनिटी। अंग्रेजी में समुदाय, समुदाय को कम्युनिटी कहते हैं। आप कहते हो आप इस कम्युनिटी के हो, इस समुदाय के लोग हो। समुदाय की सबसे पहली विशेषता होती है कि समुदाय में आपकी क्या पाई जाती है? समुदाय में मेरे प्यारे दोस्तों सामुदायिकता पाई जाती है। सामुदायिकता मतलब समझते हैं, मान लेते हैं आपके समुदाय का व्यक्ति अगर आपको कहीं पर दिख जाएगा, आप किसी समुदाय के व्यक्ति हैं, यार कैब बहुत बार गिर रहा है, चलिए आप किसी समुदाय के व्यक्ति हैं और आपको कहीं आपके समुदाय का व्यक्ति, आप मान लेते हैं कहीं बाहर पढ़ने गए, आपके गांव का या फिर आपके समुदाय का कोई बच्चा आपके पास पहुंच जाए, तो आपको इतना प्रेम आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बता दूं कि आपका दुश्मन हो लेकिन आप उसको भी चाय पानी पिलवाओगे। ठीक, यह होता सामुदायिकता। या आप देखते हैं सामुदायिकता के कारण ही क्या होता, ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी पुलिसकर्मी की नौकरी जो है अपने एरिया में नहीं लगने देते, किसी आईएएस ऑफिसर की नौकरी उसके ज़िले में नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वह एक प्रकार से सामुदायिकता के जो है बंधन से जकड़ा हुआ है, और जब ऐसे बंधन से झगड़ा हुआ तो एक प्रकार निष्पक्ष रूप से वह कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, और एक प्रकार जब डिसीजन नहीं ले पाएगा सही तरीके से तो उसका क्या मतलब है, तो इसीलिए उसको अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है, और किसी एक स्थान पर व्यक्ति को नहीं रहने दिया जाता है कि लगातार आप वहीं पर बने रहें। क्यों नहीं रहने दिया जाता है? क्योंकि वहाँ पर उसकी पकड़ बन जाएगी धीरे धीरे, उसके अंदर फिर क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, घूसखोरी बढ़ जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर समुदाय हो गया, अब समझाएंगे समुदाय वगैरह। वैसे समुदाय का लेक्चर, समाज का लेक्चर पढ़ा हुआ है, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। उसके बाद में हम संस्था के बारे में चर्चा करेंगे। संस्था को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशन कहते हैं। संस्था बहुत सारी संस्था, जैसे कि विवाह भी एक संस्था, परिवार भी संस्था है, धर्म भी एक संस्था होती है, तो इन संस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। समिति क्या होती है इसको देखेंगे। संस्था भी आपका क्या होती है? एक प्रकार से अमूर्त प्रक्रिया होती है। संस्था भी अमूर्त होती है, संस्था आपको दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक, संस्था क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है। समिति के द्वारा, समिति एक प्रकार से क्या होता है? मूर्त संगठन होता है। समिति बनाई जाती है, दुर्गा पूजा समिति आपने देखा होगा, आपके गांव में बनती है दुर्गा पूजा समिति। समझाएंगे समिति को हम। समिति क्या होती है? विभिन्न लोगों का समूह होती है जो कि एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। जब निश्चित उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समिति को भंग कर दिया जाता है, और जो संगठन बनाया जाता है व्यक्तियों के द्वारा, उन संगठन में क्या क्या कार्य किए गए हैं उस कार्य को हम संस्था के द्वारा करते हैं, या बात समझें। ठीक, समिति हो गई, संस्था हो गया आपका। सामाजिक समूह होते हैं कुछ, बहुत सारे विद्वानों ने जैसे ग्रह समुदाय ने अलग बांटा, चार्ल्स कूरे ने अलग तरीके से इसको बांटा है समूहों को, सामाजिक समूहों को। सो सोशल ग्रुप्स के बारे में, समिति को अंग्रेजी में एसोसिएशन कहते हैं, एसोसिएशन के बारे में चर्चा करना है। उसके बाद में अंग्रेजी वालों सोशल ग्रुप्स देखेंगे, सोशल ग्रुप्स और तमाम प्रकार के जो है एक प्रकार से हैं, तो उन सभी को ग्रह समुदाय ने कैसा बांटा है, और उसके बाद में मैकाइवर पेज ने क्या कहा उसके बारे में, गिडिंग्स ने क्या कहा है, गिलिन और गिलिन ने क्या कहा है, इसी प्रकार से और तमाम सारे जैसे कि जो है चार्ल्स स्कूले महोदय ने क्या कहा है उसको समझाएंगे। अंता समूह और जो है बाय समूह, किसी ने कहा, किसी ने प्राथमिक और द्वितीयक समूह में बांटा है, तो इन सभी मुद्दों को हम समझेंगे। ठीक, वहीं अगले मुद्दे में हम समझेंगे मानव और एवं पशु समाज के बारे में। मानव और पशु समाज, सोसाइटी, ह्यूमन एंड जो है एनिमल, मनुष्य और पशु समाज के बारे में चर्चा करेंगे। आखिरकार मनुष्य और पशु समाज में क्या अंतर होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और आखिरकार मानव समाज क्या होता है, पशु समाज क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, उसके बाद में हम इकाई तीन में प्रवेश करते हैं। इकाई तीन का नाम है आपके संस्थाएँ। संस्थाएँ यानी कि जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। अब इसमें हम विवाह के बारे में चर्चा करेंगे, परिवार के बारे में चर्चा करेंगे, और धर्म के बारे में चर्चा करेंगे, यानी मैरिज, फैमिली एंड रिलीजन। ओके, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अर्थात मैरिज क्या होती है? मैरिज में आप देखेंगे विभिन्न प्रकार कीजिए, और ध्यान रखेंगे यहाँ पर जब मैं समाज पढ़ूंगा, समाज का अर्थ पहले देखूंगा, समाज के अर्थ के बाद में हम क्या देखेंगे, समाज साथ, समाज के अर्थ के बारे में, समाज का अर्थ हमने समझ लिया, अर्थ के बाद में परिभाषा देखेंगे, परिभाषा के बाद में समाज के प्रकार देखेंगे, समाज के प्रकार के बाद में हम समाज की विशेषताओं को देखेंगे, समाज की विशेषताओं के बाद में समाज के महत्व को देखेंगे, वर्तमान में प्रासंगिकता देखेंगे, समस्त मुद्दों को समझाने का प्रयास करेंगे।
मतलब आप ध्यान रखेंगे आपके कॉलेज में इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा जिस तरीके से आपको शुक्ला एसडी पॉइंट पर पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया जो है हमने क्या बताया, संस्थाएं, तो परिवार विवाह समझेंगे, वैसे विवाह के प्रकार समझेंगे, विवाह क्या होता है, विवाह किस किस प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह और ये सब विवाह के बारे में हमको चर्चा नहीं करनी है। यहाँ पर विवाह के मूल स्वरूप को हम देखेंगे। विवाह जो पद्धति है वह हिंदू मुस्लिम वाद वाली नहीं, वो हम सेकंड पेपर में चर्चा करेंगे कि हिंदू विवाह क्या है, मुस्लिम विवाह क्या है। तो हम हिंदू विवाह में समझेंगे कि क्रीड़ा शरीरम संस्कारम समाजो सुदर्शनम, हम उस विवाह में हम संस्कार समझेंगे तो हम समझेंगे गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजय जात, हम उसमें समझेंगे इसको। लेकिन यहाँ पर हमको मेरे प्यारे दोस्तों ना तो संस्कार समझना है, ना तो हमको विवाह के विभिन्न आयामों को समझना है, किसी धर्म के बारे में हमको यहाँ पर नहीं चर्चा करनी है। विवाह हमको ऐसे विवाह के, विवाह क्या होता है, विवाह क्या है, विवाह करना क्यों जरूरी है, समाज में विवाह का क्या महत्व है, विवाह के द्वारा प्राप्त जो संतान होती है उसको समाज वैधता देता है इसीलिए विवाह किया जाता है, तो इन सभी मुद्दों को हम चर्चा करेंगे। विवाह कितने प्रकार का होता है, यहाँ पर हम जेन्युइनली मतलब कि एक विवाही परिवार, पति पत्नी की संख्या के हिसाब से विवाह होता कैसे होता है, ठीक, और इन सभी के हिसाब से हम समझेंगे और परिवार भी समझेंगे, हम परिवार कैसे होते हैं तो परिवार समझेंगे, विवाह समझेंगे और धर्म समझेंगे, हम धर्म क्या होता है, यहाँ पर भी हम धर्म के तमाम सारे आप धर्म विशिष्ट धर्म इन सभी धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे धर्म का जो लेक्चर होगा विस्तार से, वह धर्म हम चैप्टर मतलब कि सेकंड पेपर जो है उसमें आप जो है भारतीय परंपराओं से जुड़े हुए मुद्दा है वह, तो उसको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पेपर मन तो धर्म का एक पर ज़्यादा डिटेल से यहाँ पर अध्ययन नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा बहुत आप धर्म की परिभाषा जाने, धर्म के प्रकार जाने, धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, ठीक। यहाँ पर ये होता है यानी कि मैरिज फैमिली एंड रिलीजन। अब इकाई चार में प्रवेश करते हैं। इकाई चार का आपके क्या नाम है, व्यक्ति और समाज, हिंदी में, अंग्रेजी में द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल मतलब होता है प्रॉपर यानी व्यक्तिवाद यानी व्यक्तिगत, ठीक, और सोसाइटी मतलब होता है सामूहिक या मतलब कि एक प्रकार से समाज। तो यहाँ पर व्यक्ति और समाज के बीच में बहुत सारे अंतर होते हैं। समाज और व्यक्ति का पारस्परिक संबंध बहुत जटिल मतलब अच्छा होता है। अगर समाज का वर्दहस्त्य किसी व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता तो वह व्यक्ति एक प्रकार से पशु के समान है। अगर किसी व्यक्ति का समाजीकरण नहीं होता है, हाँ यहीं पर हम समाजीकरण को भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, यहीं पर हम आपको इसी के अंतर्गत हम समाजीकरण को भी बताने का प्रयास करेंगे। किसके बारे में, समाजीकरण एक प्रक्रिया होती है जिसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सेकंड ईयर में आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन सोशलाइजेशन यहाँ पर पढ़ना आपको अति आवश्यक होगा। सोशलाइजेशन जो पढ़ना आपको यानी समाजीकरण पढ़ेंगे, यानी किसी भी व्यक्ति का, मेरा, मैं आज के आपके सामने बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, आप मनुष्य के समान व्यवहार कर रहे हैं, आपने किसी का देखा होगा, किसी का सीखा होगा, तभी आप व्यवहार कर रहे हैं ऐसा। तो आखिरकार अगर कोई व्यक्ति हो, वो पैदा हो और जंगल में उसको छोड़ दिया जाए, मोगली सीरियल आपने देखा होगा, मोगली में बच्चा क्या होता है, जंगली जानवरों जैसा बोलता है, उसी के जैसा सारी चीज़ें करती है, एक मूवी साउथ की थी उसमें आपने देखा होगा। तो जो व्यक्ति प्रॉपरली जंगल में पैदा हुए उससे किसी कारण के बस छूट गए, जैसे बालिका अन्ना, रामू, कैस्पर हाउजर, तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हम आपको उदाहरण देंगे। ऐसे रामू लड़का जो था वह लखनऊ स्टेशन पर मिला था हम लोगों को, रामू हम लोगों को नहीं मिला था, मतलब कि जो जिससे शोध करता थे उनको मिला था, इन्होंने उस पर शोध किया रामू पर, कैस्पर हाउजर, बालिका अन्ना और एक प्रकार तमाम सारे लोग मिले हमको जो कि समाज से अलग रहे हैं। तो उनका एक प्रकार से जो क्रियाकलाप रहा वह भिन्न रहा है लोगों से, तो उसको हम वहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक, जब चैप्टर हम समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पर समझें तो व्यक्ति और समाज के बीच में हम संबंधों को देखेंगे। यहाँ पर सामाजिक समझौते का एक सिद्धांत आया था, सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स, लॉक, रूसो, तीन व्यक्ति हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन तीन व्यक्तियों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया जो कि समाज की उत्पत्ति से संबंधित हैं। यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि समाज पहले आया कि व्यक्ति पहले आया। आखिरकार समाज ना रहे तो व्यक्ति की कल्पना हम करेंगे, व्यक्ति ना रहे तो समाज की कल्पना करेंगे, और समाज कैसा होगा बिना व्यक्ति के, और बिना व्यक्ति के ना तो समाज संभव है, ना बिना समाज के व्यक्ति संभव है, या बात ध्यान रखेंगे। अगर व्यक्ति बिना समाज के है भी तो उसका व्यवहार जो होगा बिल्कुल पशुवत होगा, मतलब पशु समाज में भी रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं पर बिना संबंध के आप जो है रह ही नहीं सकते जीवन में, ठीक, ध्यान रखेंगे। वैसा संबंध नहीं बता रहा हूँ कि आप दूसरा संबंध समझ लीजिए, ठीक। तो समाज समझौता एक प्रकार से एक सिद्धांत, समाज समझौते का सिद्धांत, जो कि आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो जो हैं पॉलिटिकल विचारक हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, तो उन्होंने उसमें भी समाज समझौते मतलब सामाजिक समझौते का सिद्धांत मतलब है कि समाज का जो है उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि समाज नहीं था उससे पहले मनुष्य कैसे रहता था, उसके बाद मनुष्य कैसा हुआ,
आखिरकार कौन सी सी प्रक्रिया हुई, क्या क्या हुआ कि जैसे समाज बन गया, तो वही चीज़ें लोग बताएंगे। ठीक, इससे पहले एक देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत था, वह भी एक प्रकार से इसके जो है राज्य या फिर समाज की उत्पत्ति के बारे में बताता था। ठीक, तो इसको हम समझेंगे। वहीं व्यक्ति और मनुष्य के बीच के संबंध क्या होता है, व्यक्ति और समाज के बीच में क्या संबंध होता है, व्यक्ति और समाज, यहाँ पर मनुष्य लिख गया ना, सॉरी, व्यक्ति और समाज के बीच में क्या संबंध होता है, व्यक्ति और समाज के बीच में क्या संबंध होता है इसको समझेंगे। उसी के साथ साथ हम समाजीकरण की प्रक्रिया को समझेंगे कि समाज में रहते रहते व्यक्ति का किस प्रकार से, व्यक्ति के अंदर ज्ञान का संचार होता है, मतलब कि एक प्रकार मनुष्य का जब जन्म होता है तो वह एक प्रकार से पशुत होता है, मनुष्य जन्मजात रूप से पशुत होता है और जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और जब मनुष्य समाज में रह करके तमाम प्रकार के चीज़ों को सीखता है तो उसी सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व, सॉरी, जो सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण कहते हैं। व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। सिंपल सा एक भाषा में व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन कहलाती है। ठीक, अभी तो शायद ऊपर से उड़ रहा होगा, नहीं उड़ रहा ना, चलिए नहीं उड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, हम जो है बात करते हैं इकाई यानी यूनिट 5 की, जिसका नाम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। स्तरीकरण क्या होता है, स्तरीकरण होता है स्तर फिक्स करना, ये स्तर फिक्स हो गया कि या भाई ये बड़ी रेखा है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, मतलब एक स्तर फिक्स हो गया। ठीक, लेबल जिसको आप कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर समझो सॉरी, एक स्तर जब किसी समाज में हम फिक्स करते हैं कि फलाने व्यक्ति समाज में इस कैटेगरी में आएगा, उच्च कैटेगरी में, उसके नीचे यह व्यक्ति आएगा, उसके नीचे यह व्यक्ति आएगा, उसके नीचे यह व्यक्ति, मतलब कि एक प्रकार से स्तर फिक्स करते हैं। और यह स्तरीकरण कई प्रकार से होता है। एक तो होता है सामाजिक स्तरीकरण, जैसे कि प्रदत्त होता है कि प्राप्त है कि हाँ कोई व्यक्ति से प्रदत्त परिस्थिति, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है तो वह उच्च जाति में, मान लेते जन्म लिया, अब उसकी क्या है प्रकार से वो स्थिति क्या है, ऊँची है, मतलब वह स्तर उसका ऊँचा है। किसी का स्तर किससे ऊँचा होता है, धन से, कि उसके पास धन ज़्यादा है तो कोई जाति के मामले में उच्च हो जाता है, उसका स्तर ऊँचा हो जाता है। किसी का मामला जाति में नीचे हो जाता है किसी चीज़ में, कोई धन में आगे है तो धन में भी एक प्रकार से स्तर फिक्स हो जा सकता है कि कोई धन में ज़्यादा है, कोई कम है, कोई उससे कम है। इसी प्रकार से तमाम प्रकार, कोई पढ़ने में आगे है, कोई तमाम प्रकार की चीज़ों में, क्रियाकलापों में कोई आगे है, कोई पीछे है, इसी को स्तरीकरण कहते हैं। स्तरीकरण में मुख्य रूप से हमको टॉपिक क्या पढ़ना होता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हम कहते हैं अंग्रेजी में, सोशल मतलब कि स्तरीकरण को। ठीक, समझेंगे स्तरीकरण को, हम बाकायदा एक चैप्टर के अंतर्गत विस्तार समझेंगे, उसके बाद में हम परिस्थिति, भूमिका और जाति और वर्ग को अलग अलग हिसाब से हम समझेंगे। यहाँ पर समझें, परिस्थिति, परिस्थिति को अंग्रेजी में स्टेटस कहते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पर स्टेटस खूब लगाते होंगे कि जो है क्या लगाते हैं कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, क्या कह रहे हैं, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, या एक प्रकार से कि भोले बाबा मुझको दे दे नोट छापन की मशीन, क्यों दे दे भाई भोले बाबा, भोले बाबा के लिए आपने क्या किया जो आपको नोट छापने की मशीन दे दे, नोट छापने की मशीन दे देंगे अगर आपको भोले बाबा, जानते हो क्या होगा, आपको पुलिस पकड़ ले जाएगी घर से, तो फिर ये बंद मांगिएगा दोबारा। ठीक, कहते हैं एक गाना था, आया था एक गाना, नाम नहीं याद आ रहा है उसका, अब उसको गाना था कि लौंडिया लंदन से लाएंगे। अब ये गाना आप देखें अगर आप, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो शायद आपने नहीं सोचा होगा, आप लोगों ने भी डीजे पर उस पर ठुमके लगाए होंगे। तो उसके गाने का अगर आप जो है मतलब देखें तो उसका मतलब समझिए, लंदन से आप कह रहे लाने, मेरा मतलब ये नहीं कि लंदन से आप लाएं, अगर आपकी पहुंच हो लंदन चले जाइए ले आए, लेकिन यहाँ पर भारत में खाने की बात की जाए तो बहुत सारे लोग भूखे पड़े रहते हैं, आपको क्या ज़रूरत है लौंडिया को लंदन से लाने की, अपने इंडिया में जो है लड़कियों की कमी है, लड़कियां इंडिया में नहीं है, आपको वहां पर एक प्रकार से कि उससे जो है आप मैनेजमेंट कर लें या फिर उससे आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, समझौता हो जाए मैरिज का वगैरह का, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन वहां पर देखें लंदन का टिकट नहीं होगा जो व्यक्ति ये गाना फिर या फिर जो व्यक्ति गाना सुनते हैं या फिर तमाम प्रकार चीज़ें करते हैं आजकल, तो उनका जो है टिकट नहीं फिक्स होता जल्दी, लंदन वगैरह का वीज़ा आप देखेंगे, टिकट बोल रहा हूँ, वीज़ा आपका जल्दी नहीं पास होता, ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे गाने से वंचित रहो यार, दूर रहो इन सभी चीज़ों से, क्योंकि यह सभी चीज़ें आपको एक प्रकार से भ्रामक चीज़ें हैं, आपको फंसा देंगी। आप इस समय जो छोटे छोटे चीज़ें बन रही, आज YouTube वाले भी बात की जाए, YouTube की बात की, आज एक चला है शॉर्ट्स,
शॉर्ट्स का नाम सुना होगा आपने यूट्यूब में। अब शॉर्ट्स ये जो है एक प्रकार से अब यूट्यूब में भी क्या है, अब यूट्यूब पर आप पढ़ने आते हैं लेकिन मज़ा आया अब शॉर्ट्स देखे, छोटे छोटे वीडियो लोग बनाते हैं 15-15 सेकंड का, 20-20 सेकंड का, उस पर क्या होता है ऐसे वो ठीक ठाक भी एक प्रकार से जानकारी की अगर चीज़ें संड की जाए। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरी क्लिप काटिए, आप जो है शॉर्ट्स वीडियो बनाइए यूट्यूब पर, आप चैनल अपना क्रिएट करिए, उस पर आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो डाल सकते हैं, मैं कॉपीराइट बिल्कुल नहीं दूंगा। आप कॉपीराइट जो है आप काटिए कि हाँ कोई चीज़ आप हमने अच्छी बताई, उसको आप देख रहे हैं अच्छी लगी, आपने उसको काट लिया उस क्लिप को और उसको लगा दिया कहीं पर, ठीक, तो ये कर सकते हैं बिल्कुल हमारे चैनल से, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर ये बात है, मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज पर इस सभी गाने का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज छोटे छोटे बच्चे उस गाने को गा रहे हैं, अब कभी आप निकलिए बाहर ना तो कभी देखिए आप इस सभी गाने का क्या प्रभाव पड़ता है। गाने गाने वाले तो एक प्रकार से गाने गा के निकल गए, उनको ये नहीं पता कि समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे गाने आप सुने, ऐसी मूवीज़ देखें जिससे क्या हो, आपका मानसिक संतुलन, आपका माइंड डेवलप हो, आप अच्छे तरीके से कार्य कर सकें, आप तमाम प्रकार की चीज़ें कर सकें, तमाम सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन आप उन सभी चीज़ों को फोकस नहीं करते हैं आप, तो समाज, आप जब समाज साथ आप पढ़ लेंगे ना तो आप इन सभी चीज़ों से वैसे दूर हो जाएंगे, आपको पता चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक। आप समझें तो सामाजिक स्तरीकरण जो हमने बताया, तो परिस्थिति स्टेटस की बात हो रही थी, स्टेटस माने परिस्थिति होती है। अब कुछ स्टेटस प्रदत्त होता है यानी कि प्रकृति के द्वारा स्वयं आपको प्राप्त है, आप पैदा हुए या पैदा होते ही आपको कुछ स्थिति प्राप्त है, या ब्राह्मण वंश में हुए, क्षत्रिय वंश में हुए, या शूद्र वर्ग में हुए, या फिर वैश्य वर्ग में हुए, किसी भी यानी ब्राह्मणों वस्य मुखामासीत बाहुराज जान्या करता उर्तदस्य वैश्या पादाभ्याम शूद्रो आजायता। आप किसी भी वर्ण में हुए, वर्ण व्यवस्था भारत में चलती है, आप बीए थर्ड ईयर में जब जाएंगे तो एक चैप्टर पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था वहाँ पर पढ़ते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य इनकी व्यवस्था कैसे कैसे कर्म पर आधारित थी, कैसे कैसे लोग करते थे, किसी ने कर्म पर आधारित बताया, किसी ने धर्म पर आधारित बताया, किसी ने एक प्रकार से जन्म जात बताया, जन्म पर किसी ने कर्म पर, तमाम प्रकार चीज़ें हुई, उसको डिबेट को भी समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पर समझे मेरे भाई, जो परिस्थिति होती है या आपको प्रदत्त भी मिलती है, मतलब कि आपको जनरली मतलब कि आपने जन्म लिया, पैदा हुई आप, आपको परिस्थिति मिल गई, ठीक। आप राजा के घर में पैदा हुए तो पहले राजा बन जाते थे, लेकिन अब राजा वही होगा, आपने मूवी देखी होगी, राजा वही होगा जो उसके लायक होगा, उसके हकदार होगा, राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा, ठीक, ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपके पास काबिलियत होगी तो आप टॉप करेंगे बीए में, या फिर आप टॉप करेंगे किसी भी जो है परीक्षा में, आप नौकरी लाएंगे किसी परीक्षा में, अगर आपके अंदर काबिलियत होगी। अगर काबिलियत नहीं है तो दुनिया में कोई चीज़ आपको हासिल नहीं होगी। अगर मेरे प्यारे दोस्तों यह बात ध्यान रखेंगे, यह बात अपनी माइंड में घुसा लीजिएगा कि अगर आपने आलस किया, अगर आपने मेरे प्यारे दोस्तों आलस किया तो विद्या आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर आपको विद्या नहीं मिली मेरे प्यारे दोस्तों तो ध्यान रखेंगे आपके पास धन की आवश्यकता, मतलब धन आपके पास नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास धन नहीं होगा तो आपके मित्र नहीं बनेंगे, यह बात मैं सत्य बता रहा हूँ। अगर आपके कोई मित्र नहीं बनेगा तो आप मेरे प्यारे दोस्तों कभी सुख का अनुभूति नहीं कर सकते, तो ध्यान रखेंगे। इसके लिए एक वेदों में और जो है हमारे पुराणों में एक जो है दोहा, मतलब दोहा श्लोक प्रचलित है, अलसस्य कुतो विद्या आ विद्यस्य कुतो धनम आ धनस्य कुतो मित्रम आ मित्रस्य कुतो सुखम। आलस्य कुतो विद्या, आलस्य है तो विद्या कहाँ, विद्या जो है नहीं है, मतलब कि विद्या नहीं है तो धन कहाँ, धन नहीं है तो मित्र कहाँ, और मित्र नहीं है तो सुख कहाँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर सुख की अनुभूति आपको जीवन में करनी है तो एक बात गांठ बांध लीजिए, आपको आलस्य का प्रत्याग अवश्य करना पड़ेगा मेरे भाई, यह राम बाण बता रहा हूँ। आलस्य का प्रत्याग आपको करना होगा, आलस्य का प्रत्याग तभी होगा जब आप रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे, उसको सीधा करने के बाद में पढ़ाई करना प्रारंभ करेंगे। आप अगर आपके पास कुर्सी है तो कुर्सी पर आप बैठ करके पढ़ाई करेंगे तो आप एक प्रकार नींद कम लगेगी, आलस्य कम लगेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। आप एक लोटा पानी रख करके बैठिए, पानी मतलब कि जल आप ग्रहण करते रहिए, इससे आपको जो है नींद कम लगेगी, आलस्य कम लगेगी, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान रखें। तो यहाँ पर समझें, परिस्थिति जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, परिस्थिति कुछ आपको पैदा होते ही मिल जाती है, इन कुछ परिस्थिति आपको स्वयं अर्जित करनी पड़ती है। जैसे बात की जाए परिस्थिति, आप किस जाति में पैदा हुए हैं, किस धर्म में पैदा हुए हैं, या आपको प्रदत्त मिल गई कि हाँ जो है ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे, इसमें आपने कुछ मेहनत नहीं किया कि हाँ ब्राह्मण कहलवाने के लिए आपने बहुत सारा मेहनत किया, आप ब्राह्मण कहलाते हैं अगर आपने जो है ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपने जो है आपने मेरे प्यारे दोस्तों किसी के घर में जन्म लिया और आप पढ़ाना प्रारंभ कर दें, आप पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ा रहे हैं तो आपको अध्यापक लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अध्यापक बोलेंगे या फिर टीचर बोलेंगे।
तो अध्यापक आपको जो बोला जा रहा है, या अध्यापक आपका क्या है, आपके टैलेंट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है। आपने पैसा खूब कमाया, आपका स्तर ज़्यादा ऊंचा हो गया, या क्या हो गया, आपकी स्थिति कैसी हो गई, आपकी स्थिति हो गई आपकी मतलब अर्जित स्थिति। तो प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की स्थितियाँ समाज में होंगी, हम पढ़ेंगे दोनों को विस्तार समझेंगे। तो जो अर्जित परिस्थिति होगी वह आपकी जाति की मतलब कि हम समझा देंगे, जैसे कि आपको जो स्वतः मिल गई है, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, और आपने अध्यापक बनने में आपको मेहनत करनी पड़ी है, आपने उसमें मेहनत करी है, तो ऐसी स्थिति में अध्यापक क्या है आपकी, यह अर्जित परिस्थिति का एक प्रकार से क्या ही हिस्सा है। ठीक, समझ गए बातें। तो यहाँ पर मेरे भाई अर्जित परिस्थिति का यह क्या है, हिस्सा है। तो अर्जित परिस्थिति समझ में आ गई और प्रदत्त समझ में आ गई। तो यह स्थिति जो है यह स्तरीकरण के हिसाब से ही फिक्स होती है। आपका समाज में क्या स्तर होता है, आपकी समाज में क्या स्थिति है, सॉरी आपकी समाज में क्या स्थिति होती है, उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपका समाज में स्तर फिक्स किया जाता है। और यह स्तर का फिक्स करना ही क्या कहलाता है, सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। आगे समझो, भूमिका, व्हाट डू यू मीन रोल, व्हाट डू मीन बाई रोल, रोल से आपका क्या तात्पर्य है, रोल से आपका क्या मतलब है, यानी भूमिका किसे कहते हैं। आपने देखा होगा अभी भुज मूवी आई है, भुज मूवी आई, उसमें अजय देवगन का किरदार, अजय देवगन की क्या भूमिका थी, जिसको आप किरदार कहते हो, जिसको आप भूमिका कहते हो, जिसमें आप कहते हैं कि यहाँ अजय देवगन ने बढ़िया भूमिका निभाई है। तो भूमिका मतलब क्या होता है, उनका किरदार कैसा रहा है, एक प्रकार से भूमिका आपका यानी किसी भी व्यक्ति का समाज में क्या किरदार होगा, किसी भी चीज़ का समाज में क्या किरदार होगा, क्या भूमिका होगी, क्या रोल होगा, किस व्यक्ति का कार्य क्या होगा, यह कौन डिसाइड करेगा, यह भूमिका के अंतर्गत आता है। और ध्यान रखेंगे, आपकी परिस्थिति के हिसाब से आपका समाज में स्तर फिक्स होगा और स्तर के हिसाब से आपकी भूमिका फिक्स होगी, यह बात आपके माइंड में हमेशा क्लिक करनी। मतलब परिस्थिति, स्तरीकरण और भूमिका, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, संपूरक हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट हैं, क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं। एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है, एक के बिना कौन क्या है, दूसरा अधूरा है मेरे भाई, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो परिस्थिति और भूमिका और स्तरीकरण एक दूसरे के क्या हैं, मतलब कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और तीसरा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा का पूरा एक सिक्का है, सामाजिक स्तरीकरण एक सिक्का है, उसका हेड जो है परिस्थिति है और टेल आपकी क्या है, भूमिका है। जब हम समाज में कोई परिस्थिति अर्जित करते हैं या फिर हमको परिस्थिति मिली हुई होती है, उसके हिसाब से हमारी समाज में स्तर फिक्स होता है और स्तर के हिसाब से हमारा कार्य फिक्स होता है और उस कार्य को हम भूमिका के नाम से जानते हैं। यह बात आपको क्लियर हुई, हम आने वाले समय में भूमिका क्या होती है, कैसे होती है, किन किन परिस्थितियों में होती है, इन सभी को समझाऊँगा आगे चल करके। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी सी मुद्दे आपके क्लियर हो गए, तो आपको स्तरीकरण, भूमिका और ये परिस्थिति, इसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। परिस्थिति में भी हम सारे मुद्दे समझाएंगे, आप ये ऑब्जेक्टिव वालों ध्यान रखेंगे, आपके जो है प्रैक्टिस सेट होंगे, आपके चैनल पर पहले से पड़े हुए हैं, 2018, 19, 20 के पेपर आपके सॉल्व करवा करके डाल दिए गए हैं यूट्यूब चैनल पर, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे, वहाँ से लगभग 60% ऑब्जेक्टिव वालों, अगर आप पिछले 5 सालों के प्रश्न पत्रों को हल कर लेते, पढ़ लेते हैं, तो वहीं से प्रश्न पूछे गए हैं, बात ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं जाति और वर्ग के बारे में। जाति और वर्ग भी एक प्रकार से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप जाति और वर्ग से जो है सेकंड पेपर में प्रश्न पूछा आता है, मतलब जाति और वर्ग आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा हर एक मुद्दे में। ठीक, जाति को अंग्रेजी में हम कास्ट कहते हैं और वर्ग को हम क्लास कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक, तो वर्ग जो है आपके यहाँ की बात की जाए तो वर्ग पाश्चात्य समाजों में आपको देखने को मिलता था, वर्ग संघर्ष की विचारधारा, वर्ग जो होता है, लेकिन आप अपने भारतीय समाज में भी पूंजीवाद जब से आया तो वर्ग आपको देखने को मिलता है। वर्ग क्या होता है, जाति क्या होता है, इसको एक मिनट में समझिए आप लोग। जाति मेरे प्यारे दोस्तों आप समझिए, जाति जो होती है आपकी, जिसको कास्ट कहते हैं, जाति आप समझते होंगे, जो वर्ण व्यवस्था थी अपनी, तो वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण होते थे, एक ब्राह्मण होता था, एक क्षत्रिय होता था, एक वैश्य होता था और चौथा कौन होता था, शूद्र होता था। इनमें एक प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि होती गई, जब जनसंख्या में वृद्धि होती गई, लोग यानी ब्राह्मणों की जनसंख्या अधिक हुई, तो लोगों ने क्या कर लिया, ब्राह्मणों में भी कई कैटेगरी की जातियां बन गई, आप क्षत्रियों में जातियां बन गई, आप वैश्य में जातियां देखेंगे तमाम सारी, शूद्रों में जातियां, मतलब सभी में जातियों का क्या हो गया, बंटवारा हो गया है। तो ध्यान रखेंगे, तो जाति जो है एक प्रकार से क्या है, वर्ण व्यवस्था का एक प्रकार से नवीनतम रूप है,
कर्म के हिसाब से जातियों का एक प्रकार से क्या हुआ, बंटवारा हुआ जन्म पर आधारित। अब जैसे चूँकि वर्ण व्यवस्था जो है उस पर डिबेट है, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का ही एक पहलू है। जाति व्यवस्था का मतलब एक प्रकार वर्ण व्यवस्था का एक प्रकार से व्यापक रूप जाति व्यवस्था को देखने को मिलता है। भारत में जाति व्यवस्था क्या होती है, एक प्रकार से आज आप देख सकते हैं जाति व्यवस्था को लेकर के बहुत सारे दंगे फसाद होते रहते हैं। ठीक, ये देखिए इसके बाद में वर्ग होता है। वर्ग और जाति में अंतर को लेकर के एग्जाम्स में लिखित वाला लगातार प्रश्न बनता ही रहता है, यह अंतर आपको बताने का प्रयास करूंगा और चैनल पर अपलोडेड भी इसको देख लीजिएगा। वर्ग जो होता है जिसको क्लास कहते हैं, आपको क्लास देखते हैं, आपने कार्ल मार्क्स की विचारधारा को अवश्य देखा होगा। कार्ल मार्क्स ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे समाजशास्त्री रहे हैं, समाजशास्त्री ही नहीं अपितु वह अन्य क्षेत्रों में भी काफ़ी योगदान दे चुके हैं कार्ल मार्क्स महोदय आपके। तो कहीं ना कहीं पे मेरे भाई कार्ल मार्क्स जो व्यक्ति है वह बहुत ही जो है ज्ञानी था, कोई इस बात नहीं, बहुत ही ज्ञानी थे। और उन्होंने एक प्रकार से ज्ञानी क्या, एक प्रकार से उन्होंने एक वाद का भी जो आप साम्यवाद पढ़ते समाजवाद पढ़ते हैं ना, वो उन्हीं की देन है। तो वर्ग संघर्ष की विचारधारा भी उन्होंने दिया है। ठीक, ध्यान रखिए, मतलब दो वर्ग समाज में, पाश्चात्य समाजों में दो वर्ग होते थे। एक धनी वर्ग यानी अमीर वर्ग जो होता था उसको हम मानते थे आपकी भाषा में, एक धनी वर्ग होता था, एक गरीब वर्ग समझिए, एक धनी व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति। तो जो धनी है वह धनी होता जाता है और जो गरीब है वो गरीब होता जाता है। तो मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, इसी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए जो है कार्ल मार्क्स ने तमाम सारी विचारधारा, वर्ग संघर्ष की विचारधारा। ठीक, तो यहाँ पर समझिए ये वर्ग होते हैं, मतलब कि एक प्रकार से पूंजीपति वर्ग और एक प्रकार से सर्वहारा वर्ग। ठीक, जो फैक्ट्री वगैरह बनाते हैं, इसे एक मजदूर वर्ग हो गया और एक मालिक वर्ग हो गया। ठीक है, अभी वर्ग है तो एक प्रकार से वर्ग यह होता है। जाति क्या होती है, जाति एक बंद वर्ग है, लोगों ने अभी बताया। वर्ग जाति क्या होती है, एक बंद वर्ग होता है। ठीक, मजूमदार मदान ने कहा, किसने कहा, मजूमदार मदान ने कहा जाति एक बंद वर्ग है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे जाति वर्ग इन सभी को हमको समझना होगा। तो ये सारे के सारे मुद्दे थे जो आपको पढ़ने थे जनरली मेरे प्यारे दोस्तों, तो कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होनी चाहिए। सारे मुद्दे आपके समझ में आए होंगे, हर एक मुद्दे को आपको विस्तार समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर मेरी आवाज़ के माध्यम से या फिर मेरी भाषा की शैली के माध्यम से किसी को कोई त्रुटि पहुँची हो तो उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों क्षमा प्रार्थी होऊंगा। ध्यान रखेंगे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा बिल्कुल भी नहीं है। या जो मैंने गाने के बारे में बता दिया था, जो गायक वगैरह है वह इसको दिल पर मत लीजिएगा। लेकिन ऐसे गाने, आपका गाना ठीक ठाक है, कोई उससे बुरे बहुत सारे गाने हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन मैं अपने जो है एक प्रकार से छात्रों से बोल रहा हूँ, ये पढ़ाई के समय में ऐसे गानों से एक प्रकार से जो है वर्जित रखें, दूर रहें, ऐसे गानों को एक प्रकार से ना सुनने का ही प्रयास करें। ताकि और जब भी गाना सुनना हो आप संगीत सुन लीजिए, ईयरफोन लगाइए और हेडफोन लीजिए, ज़्यादा सही है। और ईयरफोन अगर आपके पास पैसे नहीं, जान समझते हैं भाई पैसे इस जो है कैटेगरी में नहीं होते हैं जो व्यक्ति एक प्रकार से, समय सभी लोग मिडिल फैमिली के होंगे, इसीलिए मैं आपके जो है जब पढ़ाता हूँ तो कोई चार्जेस नहीं लगाता हूँ कि हाँ 100 रुपये 50 रुपये या फिर जो है 150 रुपये, कुछ भी नहीं लगाता हूँ, ताकि आपका एक प्रकार कुछ भी ना लगे, आप आसानी से पढ़ें। ठीक, बस आपकी संख्या मुझे चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी संख्या, आप भारी से भारी संख्या में जुड़ें, यह बात मैं चाहता हूँ। और सभी लोगों को पता चले कि हाँ पढ़ाई शुरू हो गई है और आपकी पढ़ाई चाहे ऑनलाइन हो और चाहे ना हो, पूरे के पूरे यूट्यूब पर, मतलब कि कहीं पे भी हो या ना हो, आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो या ना हो, आप कॉलेज जाएं या ना जाएं कोई मैटर नहीं, आप घर में बैठी, बहुत सारी जो है हमारी बहनें ऐसी हैं जो कि घर में बैठी उनकी शादी हो गई है, अब आप बैठी कह रही सर मैं खाना बना रही हूँ लेकिन आपकी वीडियो देख रही हूँ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो आप आसानी से अब घर में बैठ करके अपनी रोटी बनाइए आराम से, और रोटी अपने परिवार वालों को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, आसानी से अपने लेक्चर देखते रहिए। रोज़ एक लेक्चर आप लोग देखते रहिएगा मेरे भाई, और आसानी से मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सभी लोगों को एक प्रकार से धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लगातार बने रहने के लिए। सारे मुद्दे समझ में आए होंगे, एक बार स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एक 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 चैप्टर को मैं आपको समझाने का जल्दी आपके सामने प्रयास करूंगा। वैसे इसके चैप्टर तमाम सारे अपलोडेड हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर जल्दी आपकी रिक्वायरमेंट होगी इस वीडियो के माध्यम से, हम नीचे कमेंट में बताएंगे, तो इसके चैप्टर्स मैं बोर्ड पर आपको आसानी से एक एक चैप्टर को समझाने का प्रयास करूँगा, आपको समय बता दूंगा किस टाइम आपकी क्लास लाइव होगी। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को बाय, टाटा, टेक केयर, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्ते सभी को, जय हिंद, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।
जय हिंद जय भारत। कभी भी ये बात ध्यान रखेंगे, अपने देश को सर्वोपरि रखिएगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपके साथ, फिर मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ, किसी अन्य सिलेबस के साथ। ओके, चलिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।